अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पेटिया की खूबसूरती एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चल पड़े हैं ओल्ड डुनिस की तरफ, जो कि पेटिया रीजन का बहुत ही खूबसूरत और मशहूर बीच टाउन है। ओल्ड डुनिस की तरफ जाने वाला सफर बहुत ही खुशगवार है, यकीनन आपको देख के बहुत मजा आएगा, तो प्लीज इस व्लॉग को एंड तक देखिए। ओल्ड डुनिस पहाड़ी इलाका है, सो रास्ते में आपको काफी सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप ओल्ड डुनिस के करीब होते जाएंगे, आपको समंदर भी नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ की खूबसूरती एंजॉय करने के साथ साथ आपको रॉक पे भी बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिकी टर्न्स और ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो कि हाथ से कबाइस बन सकते हैं। अब हम पहुंचे हैं ओल्ड डुनिस बीच, इज वन ऑफ द बेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, जो अक्सर हम पोस्ट कार्ड्स पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नीचे बीच पे नहीं गए क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और हमारे साथ बच्चे थे, तो हम दूर दूर से ही इंजॉय कर रहे थे। बीच के पास माउंटेन बैबेडैक है, जहाँ से लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। ओल्ड डुनिस बीच के बाद अब हम बटरफ्लाई वैली की जानिब चल पड़े। ये वैली अपने खूबसूरत बीच एंड हिल्स के लिए बहुत मशहूर है। आप इसके बीच को सिर्फ बोट से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आप ओल्ड डुनिस बीच से इजीली हाइक कर सकते हैं। चूंकि हमारे साथ बच्चे थे एंड दिसंबर का महीना था, सो हमने ये वैली को और इसके बीच को ऊपर से ही देखने का फैसला किया। इस बीच का व्यूइंग स्पॉट बहुत ही खूबसूरत लेकिन डेंजरस था। ये जगह बच्चों के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है, तो हमने बच्चों को गाड़ी में रुकने के लिए पूरा दिन घूमने फिरने के बाद अब हम आए हैं शॉपिंग मॉल में, क्योंकि कल हमें पामुकाली के लिए निकलना था, तो सोचा थोड़ा शॉपिंग कर ले। मॉल बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। यहाँ पे मुझे ऐसे शॉप्स नजर आए जहां से मैं इंग्लैंड में शॉपिंग करती हूँ। ये मॉल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे और खुद इधर उधर घूम रहे थे। मुझे घर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी और मैंने बहुत सुना था कि यहाँ पे अच्छी चीजें अवेलेबल है, तो बस मैंने अपने घर के लिए कुछ चीजें ले ली। ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था यूके कंपेयर टू यूके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।